चैप्टर नंबर 8 टेंस एंड वर्ड्स ग्रेड 2 फ्रॉम वर्कबुक नंबर्स सर्कल द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स ऑफ 10 एंड राइट द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस। ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसको हमें 10-10 के ग्रुप में रखने हैं, उसके बाद उसको हमें टेंस एंड वंस में लिखना है जो हमने फर्स्ट ग्रेड में सीख लिया है। तो भी एक बार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बॉक्स में 10 है तो 10 का ग्रुप हो गया। कितने बचे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 1, 10, 7, 1s ओके 1, 10, 7, 1s ओके। हियर अनदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सो 2, 10s, 1, 1s। ऐसे ही हमें बी सी डी ई और एफ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है 35, सो यहाँ पे 3 tens है और 5 ones है ओके ओके। सो हियर 2 tens, 1 ones। सो जैसे यहाँ पे किया है वैसे हम यहाँ पे बॉक्स कर देंगे तो ये 1 ten हुआ और ये 2 tens। सो 2 tens and 1 ones। सेम हियर 35 मैंने किए हैं, कैसे? तो यहाँ पे एक ग्रुप बनाया 10 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा एक ग्रुप बनाया 10 का और थर्ड वन ऑल्सो 10s तो 1, 2, 3, 3 10 हुए। कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 तो 35 3 tens and 5 means 35 3 tens, 5 ones सो 35। वैसे ही यहाँ पे आपको अलग करना है ग्रुप को ओके और देखो जैसे यहाँ पे 2 tens हुए 1 and 2, 2 groups हुए 10-10 के और कितने बचे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो 2 tens, 8 ones। सेम हियर डी ई एंड एफ यू हैव टू डू बाय योर ओन विद दिस एग्जाम्पल। हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने दिए ना, ऐसे आपको डी ई एफ भी करना है। आंसर मैंने लिख लिए हैं, आपको सिर्फ ग्रुप डिवाइड करना है। यहाँ 1 group बनेगा, यहाँ 2 group और यहाँ सिर्फ 10 का एक ग्रुप बनेगा, वंस है नहीं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29 ओके। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन टेंस एंड वंस ओके। जैसे हमने सीखा है कि टेंस एंड वंस में फर्स्ट ग्रेड में कैसे लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे हमें अलग करना है। 2, 5, 25 उसमें 2 tens and 5 ones 3, 7, 37 3 tens, 7 ones। एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन टेक्स्ट बुक ओके। मैंने टेक्स्ट बुक में भी समझाया है आपको टेंस एंड वंस का। वैसे ही यहाँ पे 1, 8, 18 1, 10, 8 ones ओके। यहाँ पे 4, 7, 47 सो 4 tens, 7 ones 3, 7, 3, 1, 31 3 tens, 1 ones 4, 2, 42 4 tens, 2 ones ओके। सेम हियर 57 में 5 tens, 7 ones 8, 1, 81 8 tens, 1 ones Use the hundreds chart to count and fill in the blanks. हमें ये 100 का चार्ट तो आता है, 1, 2, 3, 4 से 100 तक हमें नंबर्स आते हैं और ये ब्लैंक्स है मैं आपको वर्कबुक में दूंगी, क्यों? प्रैक्टिस के लिए ओके। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ मैंने 1 लिख कर दिया है, 4 नहीं लिखा है तो 1, 2, 3 के बाद 4 आएगा। ऐसे प्रैक्टिस हमें घर पे भी करनी है ओके। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3030 67 + 5 ये एडिशन है।
एडिशन हमने कर लिए है। तो पहले हम 67 ऐसे करते थे, 67 प्लस 5, पर अब ये स्लीपिंग लाइन में है। देखो हमें स्लीपिंग लाइन में नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे ऐसे करके काउंट करना है, टेंस और वंस में पहले उनको अलग कर देना है। जैसे कि ये वंस में है और ये टेंस में, तो 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 5 भी वंस में चला जाएगा। तो 5 प्लस 7, सो उसको ऐड करना है हमें, कितने होंगे काउंट करो, 7 प्लस 5 12। सो हमने यहाँ पे 2 लिखा, वंस की जगह पे 2 लिखा, 1 ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो 6 प्लस 1 7, तो 72। सेम हमें ये सब सम्स करने हैं। अनदर वन एक करके आपको मैं दिखाती हूँ, 12 प्लस 30, यहाँ पे भी हमने टेंस एंड वंस अलग किया है। ओके, सो 2 वंस में है, 0 वंस में है, यहाँ पे 1 एंड 3 टेंस में है, तो 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4, तो आंसर आया 4 to 42। वैसे ही आपको ये सब सम्स भी काउंट करने हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने हैं लिखने नहीं हैं, आपको सबसे पहले नोटबुक में, इवन ऐसा है तो ये आपको आपकी नोटबुक में ये सम्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट, सब्स्ट्रैक्ट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ये बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एप्पल है यहाँ पे, टोटल 8 एप्पल है, उसमें से यहाँ क्रॉस कितने किए हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने बचे, 1 2 3, आंसर इज 3। ओके, सेम हियर, 10 मैंगोज आर देयर एंड दे कट 6 मैंगोज, 1 2 3 4 5 6, तो हाउ मैनी लेफ्ट, 4। सेम हियर, 9 कैरेट्स एंड 2 दे हैव कट, सो 1 2 3 4 5 6 7 रिमेन। हियर 7 पेंसिल्स एंड 3, 1 2 3 3 विल कट, सो 1 2 3 4 4, आंसर इज देयर। नेक्स्ट पेज, ओके, पेज नंबर 31, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम 2। ओके, 1 10 and 5 ones, सो कितने हुए, 15, यहाँ पे 15 कहाँ है, हमें यहाँ पे मैच करना है। ओके, 15 मैच करना है, 1 10 and 7 ones, 1 7 17, वेर इज 17, हियर मैच इट, 1 10 and 1 ones, सो 1 1 11, वेर इज 1 1 11, हियर, 2 10s and 7 ones, 2 7 27, सो मैच इट, 2 10s and 3 ones, 23, मैच हियर, 3 10s and 4 ones, 3 4 34, वेर इज 3 4 34, 5 नंबर, मैच इट, 1 10 and 9 ones, 19, 19, 4 नंबर, मैच इट, 2 10s and 5 ones, 25, वेर इज 25, फर्स्ट नंबर पे है, तो हमें यहाँ पे मैच करना है, ऐसे आपको ये कॉलम मैच करनी है। हाउ मैनी टेंस एंड वंस आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स, 23, 2 10s 3 ones, 63, 6 10s 3 ones, 39, 3 10s 9 ones, 71, 7 10s and 1 ones, this you have to write down in your textbook. Okay, next page, 3 10 plus 7 ones, 37, 1 10 plus 3 ones, 13, 4 10s plus 2 ones, 42, 2 10s plus 9 ones, 29, 2 10s plus 7 ones, 27, 3 10s plus 4 ones, 34. ओके, हाउ मैनी टेंस एंड वंस आर देर, ये जो पिक्चर है उसमें हमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
15 है, तो कितने 10 हुए, 110 एंड 5 वंस. ओके सो 110 एंड 5 वंस. ओके कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स बाय फिलिंग द नेक्स्ट टू नंबर. ओके ये पैटर्न हमें स्किप करके काउंट करना है. जैसे यहाँ 20, 30, तो कितने नंबर स्किप किए हैं, 10 नंबर. सो 20, 30, 40, 50, 60. हियर ऑल्सो 10 नंबर स्किप, 1, 11, 21, 31, 41. ओके हियर ऑल्सो 10 नंबर स्किप, 3, 13, 23, 33, 43. नाउ इफ वन बॉक्स हैज 10 क्रेयॉन्स, वन बॉक्स हैज 10 क्रेयॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वन बॉक्स हैव 10 क्रेयॉन्स, सो टू बॉक्सेस विल हैव, टू बॉक्स के पास कितने क्रेयॉन होंगे, तो उस इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है. ओके ये वन बॉक्स है उसमें 10 है, तो टू बॉक्स में कितने होंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो कितने होंगे, 20. सो हम ऐसे करेंगे 10 into 2, तो 20. सिक्स बॉक्सेस विल हैव. वन बॉक्स में 10 है, तो सिक्स बॉक्स में कितने होंगे, तो 6 into 10, अदरवाइज 10 into 6, 60. ओके यहाँ पे आंसर आएगा 60. ओके राइट द नंबर्स, 20 less than 4 tens. ओके 4 tens means 40. सो 40 minus 20 is equal to 20. हमें ये नहीं आता है तो नोटबुक लेने के बाद हमें ऐसे सम करने हैं, 0 minus 0, 0, 4 minus 2, 4 minus 2, 2. सो राइट डाउन हियर 2, सो 20. ओके 20 less than 4 tens. ओके 40 से कम, हमें यहाँ पे 20 है, 40 से कम 20 है. ओके सो 20 में से हम 40 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, 40 में से 20 हम निकाल सकते हैं, 4 tens मतलब 40. सो 40 में से हम 20 निकाल सकते हैं, लेस देन लिखा है मतलब 40 में से हमें 20 निकालना है, मोर देन लिखा होता तो हमें एड करने होते. ओके यहाँ पे लेस देन लिखा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस. ओके हमें कम करने हैं, लेस देन मीन्स कम करने हैं, तो 40 minus 20 is equal to 20. ओके बी 3 less than 68. ये एकदम इजी है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है 4 tens, यहाँ डायरेक्ट 68 नंबर दिए हैं, तो 68 में से हमें कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर. तो हमें नहीं आता है स्लिपिंग लाइन में तो नोटबुक लेनी है, ऐसे हमें सम्स करने हैं टेंस एंड वंस की कॉलम में रखकर, और 8 minus 3, 5. ओके एंड यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6, तो आंसर आएगा 65. ओके सी 4 less than 9 ones. 4 less than 9 ones. 9 ones है, 9 tens नहीं है, 9 ones है, तो 9 में से 4 हमें कट करने हैं, 9 में से हमें 4 कट करने हैं, तो 9 minus 4, 5. 8 more than 2 tens. 8 more than 2 tens. 2 tens means 20. ओके सो 20 plus 8 is equal to 28. इवन आप ऐसे भी लिखोगे तो आंसर तो 28 ही आएगा. ओके 20 plus 8 is equal to 28. ई 7 more than 3 tens. 7 more than 3 tens मतलब हमें 3 tens में 7 ऐड करने हैं, मोर देन लिखा है, तो 3 tens में हमें 7 ऐड करने हैं, तो 30 plus 7 is equal to 37. 30 plus 7 is equal to 37. 5 more than 2 tens. 5 more than 2 tens. 2 tens में हमें 5 ऐड करने हैं, मोर देन है, तो 20 plus 5 is equal to
25, ओके. फिल इन द ब्लैंक्स. देखो अभी इसका पीडीएफ मैंने आज ही भेजा है, आज मतलब सैटरडे, आज की डेट है 9 डेट को मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा है उसमें करेक्शन आया है, वो आपको करना है. प्रीवियस पीडीएफ मैंने जो भेजा था उसमें मेरी गलती थी, जो मैंने करेक्ट की है वो आपको, प्रीवियस जो पीडीएफ है वो नहीं देखना है, मतलब उसमें से कुछ नहीं लिखना है बेटा. आपको आज का मतलब 9 डेट हुई आज, मैंने आज बनाया है जो वीडियो वो आपको देखना भी है, और आज के डेट पे जो मैंने पीडीएफ भेजी है वो ही आपको फॉलो करनी है. और सॉरी, मैंने जो आगे गलती मेरे से हो गई थी उसकी वजह से आप लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं. तो ये वीडियो देखना है और 9 डेट का पीडीएफ देखना है, ओके बेटा. नाउ 10, फिल इन द ब्लैंक्स. 6 टेंस प्लस 2 वंस 62, 4 टेंस प्लस 6 वंस, यहाँ 46 हमने देखा तो कितने 10 आएंगे, 4, तो यहाँ ब्लैंक में 4 आएंगे, ओके. ब्लैंक टेंस प्लस 3 वंस 23, तो यहाँ पे 2 टेंस, यहाँ 43 है, हाँ 4 ब्लैंक प्लस 3 वंस, सो 4 टेंस प्लस 3 वंस, ओके. 3 टेंस प्लस 2 वंस 32, 1 टेन प्लस 4 वंस 14, ओके. तो आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है और मोर प्रैक्टिस करनी है तो आप नोटबुक में भी कर सकते हो. नेक्स्ट, ओके. काउंट हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर देयर, आइडेंटिफाई द नंबर, ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 scissors are there. So, 1 10 and 3 ones. 1 tens and 3 ones. 13 है, तो 1 tens and 3 ones. Okay. 12. Ajay has 54 peas. Ajay has 54 peas. Put 10 peas in each pod. Okay. 54 है, और each pod में 10, each pod में 10 peas रखते हैं. तो number of pod, नंबर ऑफ पोड, पोड के नंबर कितने होंगे, एक पोड में उन्होंने 10 रखा है, एक पोड में 10 रखा है, तो 1, 1, 2, 3, 4 and 5 पोड हो गए, क्योंकि 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, सो 5 पोड्स एंड नंबर ऑफ पीस लेफ्ट, तो 4 बचेंगे ना, 4 का ग्रुप नहीं बनेगा टेंस का, तो कितने लेफ्ट रह गए, 4, तो यहाँ पे ये ब्लैंक्स ऐसे करनी है, ओके. ड्रो 10 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन्स टू मेक द फॉलोइंग अमाउंट, 1 हैज बीन डन, ओके. यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जैसे कि ये 5 की नोट है, ये 20 की नोट है, ये 20 की नोट है, तो यहाँ पे 2 10, 2 10, 4 10 and 5 ones है, ओके. तो 1, 2, 3, 4, 4 10 के कॉइन्स है, 4 tens के कॉइन्स है, तो 1, 2, 3, 4, 4 10 के कॉइन्स है, और 5 ones, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉइन्स 1 1 रुपीज के है, ओके. हमें ऐसे बी और सी में करना है, तो बी में यहाँ पे है 1 and 2 कॉइन्स 1 1 रुपीज के, और 50 plus 20, तो 50 प्लस 20 कितने होते हैं, 70, कितने होते हैं, 70, तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टेंस लिए, 7 टेंस मतलब 10 10 रुपीस के 7 कॉइन ड्रॉ किए, और ये 1 1 रुपीस का 2 कॉइन, ओके. तो 7 टेंस प्लस 2 वंस, तो 72, तो कितने हुए ये 72, 50 plus 20, 70, तो मैंने 10 10 रुपीस के कॉइन ड्रॉ किए हैं, और यहाँ पे 1 1 रुपी, ओके. हियर 5 5 5, तो 15 16 17 18 18 रुपीस है यहाँ पे, तो कितने 10 होंगे, 1 10 and 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 and 8 1, सो ये
आपको आपकी टेक्स्ट बुक में, वर्कबुक में करना है, आपकी वर्कबुक में आपको ये कंप्लीट करना है। और आपको आज 9 डेट को जो वीडियो और जो पीडीएफ आया है वो देखना है, आगे के पीडीएफ में जो गलती हुई है वो नहीं करनी है, वो नहीं आपको लिखना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अगेन मैं बोल रही हूँ कि पेज नंबर 32 में मेरी गलती हुई थी, वो आपको प्रीवियस पीडीएफ में आ गया है, वो नहीं लिखना है। हाँ, बाय एवरीवन।